कल एक पिटीशन साइन कर रहा हूं। पिटीशन मेरा मानना है कि जितने भी आपके स्कूटर स्कूटी बाइक में जो पीछे लोग बैठते हैं, इन सब के भी पीछे बैठने से पहले अलग से टेस्ट और लाइसेंस बनने चाहिए। हर किसी को पीछे बैठने का हक नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपके पीछे बैठ के डोलते हैं, डोल निकल जाते कहीं पे भी यार पीछे बैठे बैठे। आपने जिंदगी में कभी भी स्कूटी चलाना सीखा होगा ब्रदर, तो आपके पास आपका एक घटिया दोस्त जरूर आया होगा जो आते ही बोला होगा, भाई चला तो लोगे। आप कभी फ्लाइट में जा रहे हो और आपको कॉकपिट में पायलट दिख गया, कभी आपने कॉकपिट में घुस के पूछा है, भैया चला तो लोगे? बीइंग अ पायलट आपका मन नहीं करेगा कि एक बार उसको लव यू जिंदगी करके दिखाई दूं, एक बार प्लेन को जमीन पर टप्पा मार के दिखा दूं कि मैं क्या कर सकता हूं उसके साथ। कुछ लोग आपके पीछे बैठते हैं और इनको थोड़ी सी भी स्पीड से लगता है डर, पर ये बात ये अपने मुंह से व्यक्त नहीं करते। मैं एक दिन एक खाली रोड पे आया था अपने दोस्त के साथ, तो मुझे लगा लेट्स टेक ऑफ। जैसे मैं थोड़ा टेक ऑफ किया, मैंने महसूस किया कि पीछे से मेरी कमर में एक हाथ आ रहा है। मैं पीछे मुड़ा, मैंने कहा हम कमिट कब हुए? मैंने तुझे आई लव यू कब बोला? मैंने थोड़ी स्पीड और तेज करी तो मैंने फिर महसूस किया कि दो हाथ बगल से निकल के आए ऐसे। मुझे बताओ इसके साथ मैं कौन सा रोमांटिक गाना गाऊं, मुझे बताओ। मैंने थोड़ी स्पीड और तेज करी है तो मैंने फिर महसूस किया कि अब हम दो जिस्म और एक जान बन चुके थे। ऐसे पॉइंट पे इसकी ये थोड़ी चिन यहां रखी हुई थी और यहां रख के इसकी सांसों की आहें यहां निकल रही है मेरे गर्दन और यहां रख के बोलता है, कहता हा मुझे ना स्वर्ग जाना स्वर्ग। आप देख रहे हो उसको मुझ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, पर अपने स्वर्ग जाने पे है। मेरा मानना है 90% एक्सीडेंट ये पीछे लेकर आते हैं, डू यू एग्री? मैं अपने दोस्त के साथ एक दिन रोड पे जा रहा था, भाई ये पीछे चिल्लाया है, कह रहा वो देख माल जा रहा है माल। मैं वैसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूं, पर क्योंकि उसने माल बोला तो थोड़ा मन में लड्डू फूटा तो पीछे मुड़ गया। उतने में स्कूटर वो आगे गाड़ी में लग गया, फिर चिल्ला के बोला, मैंने कहा ये होता है माल, वो जा रहा है वो होता है। एक तो ना नॉर्थ इंडिया में और दिक्कत है मुझे लोगों के साथ, सर्दियां आती ना आगे वाले को बनाते हैं विंडशील्ड। विंडशील्ड होता क्या कि आगे जैकेट पहना हुआ, जैकेट पहना हुआ तो पिछले डालते हैं आपकी जैकेट में हाथ, आप डालिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप गर्म कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, जला लीजिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त कह रहा है काफी फैट हो गया है। इस इंफॉर्मेशन का अभी मैं क्या करूं? स्कूटर का हैंडल छोड़ के क्रंची शुरू कर दूं? कहां से आते हैं लोग यार? कुछ लोग तुम्हारे पीछे बैठते हैं और इनको लगता है ये चला रहे हैं स्कूटर। व्हाट दे विल डू इज की तीन उंगलियां करते हैं आगे, एक अंगूठा पीछे और ये तुम्हारे शोल्डर में फंसा देते हैं। अब ये है इनके ब्रेक, ये लेफ्ट ये राइट। एक दिन मेरा दोस्त मुझे पूरा रास्ते ऐसे ऑपरेट करता हुआ ले गया। मैं जब घर पहुंचा हूं, मैंने टी शर्ट रिमूव करी तो क्या देखता हूं कि दोनों साइड पे यहां पे एडिडास का लोगो बना हुआ था। एक दिन मैं लालबत्ती पर रुका, मेरा दोस्त मेरे पीछे बैठा था, सामने थी एक अल्टो, समझते हैं अल्टो? अल्टो में पावर विंडो नहीं थी,
बट अलॉय व्हील थे, उसने पूरी गाड़ी का शीशा नीचे किया है। और फिर बोला, कह रहा भैया, मैंने कहा मुझसे बात कर रहे हो? कह रहा हाँ। मैंने कहा बोलो। कह रहा ये लाश कहाँ ले जा रहे हो? जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरा दोस्त पीछे बैठा सो रहा था। और इतिहास गवाह है कि किसी भी सोते बंदे को बोलो कि क्या आप सो रहे थे? नहीं, मैंने सिर्फ आंखें बंद की थी। मैं कहा थोड़ी देर में तेरी परमानेंट हो भी जाएंगी। आप से पता कि कुछ लोग पीछे बैठते हैं और इनको लगता है जो आगे स्कूटर चला रहा है ये बोर हो रहा है। ही मस्ट बी फीलिंग कि मैं कितना लेफ्ट आउट फील कर रहा हूं जिंदगी में। तो चलो पीछे से अपनी जिंदगी के सारे दुख दर्द चलते हुए स्कूटर पर शुरू कर दे। इसलिए पता है हम आगे वाले बंदे हेलमेट बड़ा पहनते हैं ताकि आप पीछे वाले की बातें अवॉइड कर पाओ। पर ये बंदे की कमिटमेंट इतनी हाई होती है ये तुम्हारे हेलमेट में घुस के बातें करते हैं। पता है उस दिन क्या हुआ? एक दिन बंदा बताते मेरे लैप में रखा होता मुझे लैप में, एक होता है हार्ट टू हार्ट माउथ टू माउथ कॉन्वर्सेशन चल रही है। थोड़ी देर में उसके मुंह पे थूका है। कह रहा ये क्या किया? मैंने कहा गलत के साथ तेरे मुंह पे छींटे पड़े हैं। आपको पता स्कूटर पे लड़कियां एक साइड बैठती हैं, यू नो दिस, एक साइड बैठती हैं ऐसे। ये इसलिए बैठती कि जैसे ही कहीं पर इनको कोई सेल का बोर्ड दिखे ये कूद जाए। क्योंकि हम आदमियों का जन्म सिर्फ एक चीज के लिए हुआ है, पार्किंग ढूंढने के लिए। कभी कहा तो आप पार्किंग ढूंढ रहे हो, मैडम शॉपिंग करके आ जाती हैं। अच्छा स्कूटर को आप कहीं मोहल्ले में अकेले रख दो तभी दिक्कत है। अगर आपने सोसाइटी में स्कूटर रखा तो न जाने कहां से वो चार लड़के आएंगे उस पे बैठ के बातें करने के लिए। मेरा मानना है कि अगर आप स्कूटर को समुद्र के टापू भी रख के आओगे तो चार लोग निकलेंगे तैर के। भाई बातें उसी पे करेंगे, बातें उसी पे करेंगे हम लोग। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई स्कूटर चाबी से स्टार्ट नहीं किया है। मुझे स्टार्ट करना पड़ता है हमेशा कोड वर्ड बोल के, जो कि है एक्सक्यूज मी। फिर चलो कहते हैं आपका है, आपका है, आपका है। मैं कहा मेरा मेरा हा मेरा हा। कितनों को पता है कि स्कूटर में, स्कूटी में, बाइक में पीछे आता है फुटरेस्ट? कितनों को पता है बात? ये बात पीछे वालों को कौन बताएगा? कौन बताएगा? एक दिन मैं स्कूटर पर जाता था अपने दोस्त के साथ, थोड़ी देर मैंने महसूस किया कि मेरी टांगों के बीच में से दो टांगें निकल के आई हैं और इसने ऑक्टोपस की तरह खोल दी। मुझे लाल बत्ती है, पैर नहीं रख रहा। मैंने कहा मेरे पैर क्यों नहीं खुल रहे? कैसे खुलेंगे मेरे पैर? क्योंकि लॉक करके बैठा हुआ है आदमी पीछे यार। तो कल मैं साइन कर रहा हूं, पिटीशन सही कर रहा हूं। अगर मैं पूछना चाहूं किसे सीखा था आपने स्कूटर? हाँ डैड, इसे हाँ मतलब रिलेशन में लगे ना, जैसे रिलेशन में भाई वैसे पापा रिलेशन। कभी आप गौर कीजिएगा कि स्कूटर सीखने चाहिए आपको खून के रिश्ते। क्योंकि कार में होता है हैंड ब्रेक, आपने खींचा बच गए, पर जिसने स्कूटर में आपके पीछे कंधे पे हाथ रखे हैं उसने अपनी जिंदगी कागज रखे हैं। आपको नहीं पता कि 5 मिनट का तो जमीन पर रगड़ता हो जा रहा है। वो कहता बाय 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 जाने दो। फिर उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ रही है रीजन ऑफ डेथ भाई। तो ना 15 साल की लड़कों की एक प्रॉब्लम होती है कि लड़कों को स्कूटर चलाना सीखना है। ये वो ऐसी चीज होती है जिस पे मम्मी बोलना ये सामान ले आओ तो ओपे स्कूटर बैठा मिलता बच्चा। कि वहीं से फेंको डोलची, वहीं से फेंको पैसे वहीं। तो मेरे घर में मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है और पापा का कभी इंटरेस्ट नहीं था स्कूटर सिखाने का। तो मैंने जो किया मैं आपको बता रहा हूं, वो अपने तक रखना। तो मैंने अपनी सोसाइटी में लिस्ट बनाई कौन कौन दो दो भाई हैं।
कि बाई चांस अगर एक के साथ ऊंच या नीच हो जाए तो घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे ना आए उनके। धंधा गंदा है पर मेरा है, देखो समझो आप सब। तब मेरी जिंदगी में गप्पी भैया आए थे और कहते रजत मैं सिखाऊंगा तुझे। मैंने कहा भैया आप? मैंने कहा भैया कल सुबह 6 बजे। कह रहा हाँ तब रोड पे कोई नहीं होता। मैंने कहा नहीं तब पापा सोए होते हैं। तो अगले दिन सुबह 6 बजे हम पहुंचे, भैया स्कूटी आए। तो मेरे पास पैसे तो नहीं थे तो मैंने भैया को इन कर्टेसी एक गिफ्ट दिया, वो था ग्रीटिंग कार्ड। उस पर लिख रखा था मेरे प्यारे भैया आप कितने अच्छे हो, आप मुझे अपनी मर्जी से स्कूटी चलाना सिखा रहे हो। जहां भी रहना ठीक रहना, तो मैं हमेशा प्यार करता रहेगा आपका छोटा भाई रजत। ऐसे बना के उन्हें रिसीव कर लिया, मैंने कहा हो गया। तो जिनको नहीं आता, कितनों को चलाना नहीं आता आप में से, चलाना स्कूटर नहीं आता, स्कूटर टू व्हीलर आई विल टीच यू टुडे। तो लगा हमने सीखा था चेतक पे, तो कहता रजत कुछ नहीं करना, इट्स वेरी इजी, आपको करना है घे 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 ए। घे 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 ए आ गया। मैं बैठा, भैया पीछे हेलमेट लगा के बैठे, मैं आगे बैठा। मैंने ऐसे क्लच के पैर छूते ना, ऐसे आशीर्वाद लेते हैं आप, आशीर्वाद लिया मैंने और मैंने स्टार्ट किया घे 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 ए। स्कूटर चल पड़ा आराम से, मतलब मैंने कहा घे देख रहे आराम से, मैंने कहा घे। साथ में अंकल निकल रहे, कह रहे बेटा तुमने कब सीखा, मैंने कहा अभी, कल मैं आपको ले जाऊंगा राइड पे, कल आना। मैं आराम चला रहा हूँ, मैंने स्पीड ब्रेकर यू टर्न होता ना स्पीड ब्रेकर चचा चला स्पीड ब्रेकर सब पार किया, यू टर्न लिया, लाल बत्ती क्रॉस सब कुछ किया मैंने 15-20 मिनट। भैया कहते रजत आज के लिए काफी है। मैं पीछे मुड़ा, भैया हेलमेट उतार रहे थे। मैंने कहा भैया स्कूटर को पहले स्टैंड से तो उतारो। हाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पर जाने से पहले आपके लिए एक सेविंग टिप कि मैंने डाउनलोड करी एक ऐप जिसका नाम है मैजिक पेन। अब जब भी मैं कहीं खर्च करता हूं पैसे तो जो मिलता है बिल मैं उसको अपलोड कर देता हूं मैजिक पेन के ऊपर, और इन आइटम जो मिलते हैं मैजिक पॉइंट्स, 1 मैजिक पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपी। और यही नहीं, मतलब इंडिया के लीडिंग ब्रांड्स फैशन फूड ग्रोसरी इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलता है एटलीस्ट 40-50% ऑफ। जैसे मुझे टाइटन की वॉच पसंद थी तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और मैजिक पेन से मुझे मिला 40% ऑफ। अब इतना मेरा फायदा तो मैं आपका भी कर देता हूं कि अगर आप अभी यूज करते हो मैजिक पेन का स्पेशल साइन अप कोड जो कि है रजत, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको मिलेंगे इनिशियली 400 मैजिक पॉइंट्स। और साथ ही साथ अगर आप फूड ऑर्डर करते हो वाउमो सीसीडी ब्रहर बिरयानी से तो आपको मिलेगा एटलीस्ट 200 रुपीज ऑफ। तो और क्या चाहिए, आप भी सेव कीजिए, मैं भी सेव करता हूं। सी यू सून, बाय बाय, थैंक यू।